जयपुर के राजा पार्क स्थित आर्य मंदिर में आज गो सेवा समिति की ओर से आगामी होली पर गो काष्ठ से होलिका दहन किए जाने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षक व स्वच्छ वातावरण के लिए देशी गो माता के गो काष्ठ से होलिका दहन किया जाएगा। समाज सेवी रवि नैयर ने बताया कि पेड़ों के महत्व को देखते हुए होलिका दहन व धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में देसी गो माता के गो काष्ठ का उपयोग करके प्रतिवर्ष लाखों पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। देसी गो माता के गो काष्ठ से दहन से हवा में खुले घुले हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। गई हर साल की तरह इस बार भी होली गो काष्ठे मनाए, ये हमारी जयपुर की जनता को अपील है। होली का पर्व बड़ा धार्मिक और प्यारा पर्व है। आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारे और धार्मिक और सामाजिक दोनों तरफ से मिलाया जाता है, मगर इस दिन पेड़ की बलि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है। भगवान कृष्ण ने पेड़ों की बड़ी महिमा गाई है, गाय के साथ, पेड़ों के साथ, वन के साथ भी उन्होंने बहुत उनका लगाव रहा है। तो मेरी जयपुर की जनता से अपील है कि गोकाष्ठ से अगर अपन होली मनाएंगे, एक तो पेड़ों की बलि नहीं होगी, दूसरा जो गोकाष्ठ का पैसा सारा गौशाला में जाएगा, तो इस पवित्र कार्य को गोकाष्ठ से मना के जो पैसा है गौशाला में जब जाएगा तो आपका त्यौहार भी बहुत बढ़िया होगा। मेरी जयपुर की जनता से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोकाष्ठ को उपयोग करें, किसी भी धार्मिक पुण्य कार्य के लिए गोकाष्ठ को उपयोग करें। घर में कभी कोई स्थिति ऐसी हो जाती है कि परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता, तो उसकी अंत्येष्टि भी आजकल गोकाष्ठ से हो रही है, बहुत इसकी डिमांड है। तो इससे गौशालाएँ जो वो भी मजबूत होगी, गौ संवर्धन होगा, गाय की पूजा भी होगी और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। गोकाष्ठ के पैकेट वगैरह तीन तरह के पैकेट हैं, एक 200 रुपये का कट्टा है, एक 100 रुपये का है और एक 50 रुपये का है। तीनों तरह का घर में ले जाने के लिए 50 रुपये की गोकाष्ठ बहुत है, अगर बच भी जाए तो उसको आप रोज़ जला सकते हैं घर की शुद्धि करने के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी गोकाष्ठ देसी गौ माता की है। हमारे प्रवीण सिंह रवि जी ने बहुत बढ़िया कार्य को प्रारंभ करा रखा है और जन जन को जागृत कर रही हैं। गौ माता हमारे जीवन का आधार है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय पर्व है होली, और होली के माध्यम से भगवान के प्रिय पर्व को और भगवान के प्रिय जो गौ माता है उस गौ काष्ठ से होली का दहन होना बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। गौ माता के जीवन में सब कार्य गौ माता हमारे हित के लिए है। गाय माता का गोबर ऑक्सीजन देता है, जब ऑक्सीजन का गौ काष्ठ से ये होगा तो जितने भी अग्नि से चेतन हो के वो धुआं निकलेगा, वो धुआं हानिकारक नहीं है, वो ऑक्सीजन का ही मात्रा को बढ़ाएगा। और होली अंतिम पर्व है, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अंतिम पर्व कहता है होली। मेरा एस्ट्रोलॉजर कपिल हर्ष, मैं पंजाबी समाज का कुल पुरोहित हूँ, और इस कार्य को माध्यम से हमें बताना है, गाय माता की महत्वता बतानी है। गाय माता हमारे लिए बड़ी महत्व की है, और उसमें भी विशेष चीज़ का ध्यान रखना है, गाय माता देशी गाय, और हाँ ये सारे जो द्रव्य हैं गौ माता के निमित्त ही जाएगा, इसका कोई उपभोग नहीं किया जाएगा।